कन्हैया सर बिजली से आके अपने अपना मताधिकार का उपयोग किया है तमाम जी दिल्ली से आकर के अपना मताधिकार का उपयोग किया अपने गांव में क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली क्या दुनिया के किसी कोने में रहते हम यहां के वोटर हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें लोकतंत्र का महापर्व है ये हर नागरिक को जो है इस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए दिल्ली तो बहुत दूर नहीं है दुनिया के किसी कोने में रहते तो हम आकर के वोट जरूर करते और हम हमेशा किए पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में घर से जो है 2002 से बाहर रहे हैं 2002 से अब तो जो है तकरीबन 22 साल हो गया है लेकिन हर बार हर चुनाव में जो है हम आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करते थे उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं गिरिराज सिंह के बारे में क्या कहेंगे वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान की बात करता हूँ साथ में विकास की भी बात करता हूँ अच्छा तो गिरिराज सिंह जो कहते हैं वो तो 5 साल से लोग यहाँ देख ही रहा है ना गिरिराज सिंह जी ने जो है इस बेगूसराय जिले के मतदाताओं को अपमानित किया गाली गलौज की जो है किया उनके साथ उनके जन्म पे जो है सवाल उठाया यहाँ के मतदाताओं को देशद्रोही बोला तो ये उनकी पुरानी आदत है वो करते रहते हैं मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह जी को ये जवाब देना चाहिए कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुला पुल का काम कम्प्लीट क्यों नहीं हुआ इस क्षेत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को क्यों नहीं निभाया गया इस सवाल का जवाब देना चाहिए सीपीआई के बारे में कहते हैं कि अगर सीपीआई को अगर फिर से जिताते हैं तो फिर से वो पुरानी खुली खेल खेला जाएगा अच्छा ये तो देखिए जब एक बात बताते हैं जब हमारे पास गिनाने के लिए हमारी अच्छाई नहीं होगी ना तो हम आपके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे आपके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे उनकी सरकार है 10 साल से सरकार है वो 10 साल से जो है सांसद हैं 5 साल सांसद नवादा से रहे 5 साल बेगूसराय से रहे हैं उन्होंने बेगूसराय के लिए क्या किया है ये बात उनको बताना चाहिए चलिए।